नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में पिकअप भवन पर कनिष्ठ सहायक पद की चयनित 535 हुए अभ्यर्थियों में से सैकड़ों की तादाद में अपने नियुक्ति पत्र मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती पूरी करने में 6 साल लगा दिए। ये भर्ती 2016 में आई थी। प्रदर्शन में एकत्रित हो रहे अभ्यर्थियों को प्रशासन की तरफ से मध्यस्थता कराया गया। साथ ही आयोजन की तरफ से कहा गया कि 31 जनवरी तक विभाग आवंटन कर देगा और ये भी कहा कि 10 जनवरी तक फाइल कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। यूपी TPLSC के चयनित अभ्यर्थी आज अपने नियुक्ति पत्र को लेने के लिए और उस पर बात करने के लिए पिकअप भवन पहुंचे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी तादाद में चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर यहां मांगने आए थे अफसरों से। साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और दोनों जो अभ्यर्थी हैं उनसे और अंदर के जो तमाम जिम्मेदार हैं उनसे बात करके और आगे की जो प्रक्रिया है उस पर बात किए हैं और इन्हें एक डेट भी दिया गया है जिस दिन इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि कहां से आए हैं और आपका क्या नाम है? आप लोग आज बात करने गए थे आयोग में, किस तरह की बातें हुई हैं और क्या आगे का निष्कर्ष निकाला गया है? मेरा नाम मारुत कुमार सिंह है, देवरिया जिले से हूं और कनिष्ठ सहायक 2016 की भर्ती दिसंबर 2016 में आई थी। 3 चरणों में पूरा होना था, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार। 31 मई 2019 को इसकी लिखित परीक्षा संपन्न होती है, उसके बाद से जनवरी 2021 में इसकी टाइपिंग टेस्ट होती है, उसके बाद से इसकी साक्षात्कार होता है अक्टूबर माह में संपन्न होता है 2021 में। फाइनल रिजल्ट इसका जो अंतिम परिणाम आता है 535 पदों का था, जिसपे 535 कनिष्ठ सहायक के पद पे अभ्यर्थी चयनित होते हैं। 18 जून को इसका अंतिम परिणाम आता है, उसके बाद से काम आयोग के स्तर से बचता है विभाग आवंटन का, जो कि इसके बाद से नियुक्ति का। तो 6 माह बीत चुके थे 18 जून से, उसके बाद से हम लोग आए हैं यहाँ पर ये पता करने के लिए। कई बार इसके पहले अभ्यर्थी आते रहे हैं यहाँ पर पता करने के लिए, तो हर बार एक अगला डेट दिया जाता था। इस बार फिर से कहा गया कि 31 दिसंबर के पहले पहले हर हाल में विभाग आवंटन कर दिया जाएगा। अच्छा बारूद, हमें ये बताया 2016 में भी वैकेंसी आई थी और लगातार आप लोग यहाँ प्रदर्शन किए, नियुक्ति पत्र की मांग किए। आज जब यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उसमें से आप लोग का प्रतिनिधिमंडल मिल के आया है, तो उनको क्या कहा गया है, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन के तौर पर यही कहा गया है कि 31 दिसंबर तक विभाग आवंटन करके और 10 जनवरी तक फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी जाएगी। जी, तो हमारे साथ मारुत सिंह थे जिनके नेतृत्व में आज यहाँ तमाम जिम्मेदारों से बात की गई और नियुक्ति पत्र को लेकर उन्होंने साफ कहा कि जल्द ही अब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगी और जल्द ही ज्वाइनिंग होगी। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में माघ मेले से संबंधित तैयारियां व्यवस्थाओं को लेकर नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने नगर निकाय निदेशालय में वर्चुअली समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में 2022-2023 में माघ मेले को लेकर समीक्षा की गई है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने प्रयागराज मंडल आयुक्त से तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक पोल्स, मेडिकल कैंप, टेम्परेरी टॉयलेट्स समेत तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस समीक्षा बैठक में के दौरान प्रयागराज मंडल आयुक्त को मंत्री ए के शर्मा ने कई सुझाव भी दिए। सोनभद्र में शासन की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मरुदुर्वा में डलिमम सनबीम स्कूल रेणुकूट में 3 दिवसीय सेल्फ डिफेंस शिविर का शुरुआत हुई है। रवि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी के NIS ताइक्वांडो कोच रवि सिंह अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार में सम्मानित हैं। कोच NIS रवि सिंह ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को ताइक्वांडो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी, जिसमें पंच, किक बॉक्सिंग और गले का छुड़ाना, हाथ का छुड़ाना, बाल का छुड़ाना, कंधे का छुड़ाना आदि सुरक्षा के दांव पेच बताए।
हमें रोड पे अगर कोई छेड़ता है तो उसे कैसे जवाब देना है और अपनी सुरक्षा भी कैसे करनी है, इस बारे में भी बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रेशु सक्सेना ने बताया कि मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विद्यालय के स्टाफ दी लोग मौजूद हैं। बांदा में भारत जोड़ो अभियान के क्रम में कांग्रेसियों ने रैली निकाली है। ये रैली कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव की अगुवाई में निकाली गई है। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि कानपुर में 8 दिसंबर से भारत जोड़ो रैली का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में आम कांग्रेसी जन से मुलाकात करेंगे। बांदा में कार्यक्रम के बाद भारत जोड़ो रैली का कार्यक्रम चित्रकूट में भी आयोजित किया जाएगा। कल इसका चित्रकूट में विश्राम होगा और आगे की फिर हम निर्णय तय करेंगे। हमारी यात्रा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, हर जिले में, हर कस्बे में, हर जगह जा रहे हैं। 2024 में कैसा है, 2024 में हम देख रहे हैं जनता के बीच में हम जा रहे हैं, अपनी बात उनकी बात समझ रहे हैं, जनता क्या चाहती है और इस जनता को तय करना है। 2024 में कहना है अगर इस सरकार को भगाना होगा तो हमारे साथ आइए, अगर सरकार से लोग खुश है उसके बाद क्या प्रोग्राम लिखते हैं, क्या प्रोग्राम लिखते हैं हमारे लिए यादव। रायबरेली में अवैध लकड़ी कटान माफियाओं की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली। लगभग एक माह से लगातार धड़ल्ले से स्थानीय पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हरे भरे पेड़ आरी चलाई जा रही थी और तो और स्थानीय पुलिस इस अवैध लकड़ी कटान माफियाओं को कोई डर भी नहीं रह गया है। इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी क्यों मौन है? अयोध्या में बीते दिनों पोटखर सरकार ने एक देवी शक्ति पर दिए बयान को विवादित बताकर भगवती मानव कल्याण और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। इसके साथ ही पंडोखर सरकार के फोटो और पुतले का जूते चप्पल बरसाकर आग के हवाले कर दिया और जमकर नारेबाजी की है। वहीं शक्तिपुत्र महाराज के लिए कहे गए विवादित बयान के बाद अब दोनों संतों के बीच का बखेड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफी दिनों से पंडोखर धाम सरकार के शक्ति पुत्र महाराज के खिलाफ जमकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश महासचिव पूनम मिश्रा, जिला अध्यक्ष आशा राजावत आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बाराबंकी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुछ बदमाशों ने एक लड़के को खुलेआम दौड़ाकर चाकू मारा है। खून से लथपथ लड़का अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर तक भागता रहा मगर कुछ दूर जाने पर उसकी मौत हो गई। हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले में बड़े भाई ने बताया कि करीब 9 महीने पहले कुछ लड़कों ने उसके छोटे भाई से मारपीट कर उसका वीडियो वायरल कर दिया था। तभी से इंस्टाग्राम रील बनाकर वो लड़के उसके भाई को धमकी दे रहे थे। उसे कहीं शिकायत पुलिस के पास पहले भी की गई थी, लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज उसके भाई की हत्या ना होती। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। के अंतर्गत देर शाम लड़कों के दो गुटों में एक इंस्टाग्राम को के ऊपर जो पोस्ट किया गया था उसको लेकर विवाद हो गया था। लड़कों के दोनों गुटों में एक पक्ष में सुगांतो शर्मा उर्फ प्रिंस, फरहान, शादाब, रिजवान, रेहान और अरशद आदि थे और दूसरे पक्ष में आमान, सालिम, राजा आदि लड़के थे। पोस्ट को लेकर विवाद के दौरान सुगांतो शर्मा और प्रिंस शर्मा को गंभीर चोट लग गई, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त फरहान और शादाब जो प्रिंस शर्मा के साथी थे इनको भी चोट आई है जिनका इलाज कराया गया। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई तत्काल उसको अभियुक्त पंजीकृत करते हुए जो प्रमुख अभियुक्त हैं इस घटना के उनको तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। प्रकरण के संदर्भ में समस्त विधिक कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जा रही है। जैसे हमारे भाई को उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा वैसे उनको भी हमको सजा दिलानी है बस, और हमें कुछ नहीं है, हमको खाली हमको इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे भैया आप किला नहीं बताए, इनके इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, 3 दिन से मैसेज आवत रहे हैं। उसके बाद हमारे भैया के यहाँ हुआ पाए के सब कोई पूरी पैक करावत रहा है,
यहाँ पूरी नहीं मिली रहा है, तो हमारे भैया वहाँ पूरी पैक करावे खातिर कह रहा है। तो लोग जहाँ से बुलाएं कि चलो चाय पिया जाए, चाय पिए बहाने मेरे भैया के यहाँ हुए बातें करत करत, हम सुने कि मेरे भैया से बातें करत करत वही लोग लड़ाई करे लागे। तो होटल वाला कोई खेती से उनका अमेठी में शिक्षक की हवानियत सामने आई है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी है। कक्षा 9 की छात्र अनिकेत के शिक्षक ने डंडे से जमकर पिटाई की। शिक्षक की पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। स्कूल के अन्य शिक्षकों में बेहोशी हालत में छात्र को अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं इस मामले में छात्र के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। ये पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के मऊ गाँव के बाबू राम सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज का है। गेम पीरियड था, हम सभी बच्चों फिर नीचे जीने पर से उतर रहे थे। उन्होंने हमारी कॉलर पकड़ा, कहा कि तुम तुलसी को ज्यादा नाजी मत खेलो, एक थप्पड़ मारे। हम कहे फिर क्यों सर, भी जाकर मार रहे हैं। तो फिर उन्होंने दो तीन थप्पड़ मारा, उसके बाद प्लास्टिक के डंडे से फिर पैर से खूब मारा, फिर उसके बाद हम भी बहुत। कौन थे जो मारे हैं? विक्रम सिंह। क्या है विक्रम सिंह? स्कूल में पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को। और आप किस क्लास में हो? 9th में। कहाँ चोटें आई हैं आपको? गाजियाबाद में एडीसीपी क्राइम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने चोरी का खुलासा किया है। बताया है यह है कि लोग बड़े ही शातिराना अंदाज से ठगी करते थे। इन आरोपियों ने 5वीं कक्षा से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई की है। यूएसए के नागरिकों की डिवाइस पर वायरस से हमला करके उनके सिस्टम को हैक कर देते थे और उसे स्लो भी कर देते थे। इसके बाद यह टोल फ्री नंबर पर मदद के लिए कॉल करते थे, इसके द्वारा डॉलर की ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कीमती सामान बरामद किया गया है। गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा 9 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है, जो मुख्य रूप से यूएसए में रहने वाले लोगों को टारगेट करके उनसे ईमेल के माध्यम से उनके साथ ठगी करते थे और पैसा ट्रांसफर करा के अपने खाते में पैसा लेते थे। इन 9 लोगों को विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है, तथा जो सामान इनसे बरामद हुआ है इसमें। लखनऊ में पीएस जानकीपुरम के अंतर्गत बिठौली क्रॉसिंग के पास अवैध अतिक्रमण पर एलडीए का बुलडोजर चला है। जानकीपुरम में इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि यह अतिक्रमण जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी के नेतृत्व में सलीम तेहरे के पास चल रहा है। इस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। अवैध कब्जे को लेकर जानकीपुरम पुलिस को कल ही शिकायत मिली थी, जिसके चलते पुलिस और एलडीए जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त दिखाई दी। चोरी की वारदातें आए दिन सामने आती नजर आ रही हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं एक और चोरी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर गैंग के साथ चोरी करने के लिए निकले थे। चोरों ने दुकानों में चोरी करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि एक दुकान का शटर तोड़ने के बाद अंदर लोहे का चैनल लगा हुआ था, जिसके कारण वह चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं दूसरी ओर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लाखों का माल हाथ साफ कर दिया है। ताले टूटे गए हैं, कोशिश तो उन्होंने पूरी करी है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हमारे सामने जो गली है इसमें वर्मा ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ काफी नुकसान करा है, ताले भी तोड़े हैं और नुकसान भी बहुत कर दिया गया है। कितनी संख्या में चोर आए थे? लगभग चोर थे जी लगभग 15-16 आदमी थे, एक ही बार में 2 जगह टारगेट करा है। 5 लाख रुपए चोरी कैसे और 25-30 पेटी का माल है, 30 लाख का। किस नाम से ज्वेलर शॉप है? वर्मा ज्वेलर्स के नाम से। लगभग कितने चोर आपको दिखे यहाँ पर? करीब 7-8 ज्वेलर वो थे बंदे, तो सामान उन्होंने एक 2-3 बंदे अंदर थे, बाकी सब बाहर थे, डिब्बे पकड़ाते जाते थे, वो बाहर निकालते जाते थे। बजी थाना कौशाम्बी पे सूचना मिलती है कि भोवापुर गांव में एक सोने चांदी की दुकान है जो कि आर के वर्मा जी की है। उनकी दुकान में चोरी की सूचना मिलती है, तत्काल पुलिस मौके पे जाती है, तो पाती कि इनके दुकान में शटर को उठा के चोरों ने चोरी की हुई है। तत्काल इनकी जो है इनसे तहरीर ली जाती है और इनका मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है
और इसके साथ साथ इस चोरी को खोलने के लिए कुल 3 टीमें बनाई गई हैं। उसके साथ ही सर्विलांस और सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। इसके अनुसार हम लोग जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा। फरीदाबाद में भूड़ कॉलोनी इलाके में किराए पर रह रहे एक युवक ने शराब का अधिक सेवन कर नशीला पदार्थ निगल लिया और फांसी के फंदे पर लटक गया। आपको बता दें, युवक ने 1 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी, जिसके चलते उसके पति को उसके परिवार वालों ने जायदाद से बेदखल कर दिया। तभी से उसका पति डिप्रेशन में था और इसी के चलते उसने अधिक शराब पी ली, और जिसके उसने विरोध किया और तो समझाया कि, लेकिन इसके पति ने घर में रखे नशीले पदार्थ को निगल लिया और कुछ देर बाद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। बोला कि मैं यहीं हूँ, वो बोल ली कि घर आ जाओ, हो गई कि वो भगते जाओ, मेरे से बोल कि घर आ जाओ। मैं उसके घर पे गया, मैंने देखा वो पलंग पे लेके हुआ, मैंने उनको पानी वानी उनके मुँह पर पानी वानी डाला और फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे यही कारण बताया डिप्रेशन की वजह से डर नहीं किया। मृतक मनीष कुमार, जिसके परिजनों ने दरखास्त दी हुई है कि लड़का ने रात अधिक सेवन दारू का या पोइजन खाया हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम बीकेस कराया जाएगा। पोस्टमार्टम आने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, ऐसी कार्रवाई अमल लाई जाएगी। ये मालूम है कि ये जो लड़का ख़त्म हुआ है, मैं इसका मुसीबत ससुर लगता हूँ रिश्ते में। ये घर से बेदखल करने के कारण ये बहुत टेंशन में रहने लगा था और दारू बहुत ज़्यादा पीने लगा था, लेकिन इन्होंने किसी को भी नहीं बताया, अपनी टेंशन को अपने पास ही रखा था इन्होंने। जब इन्होंने मालूम पड़ा है कि मैं घर से बिल्कुल बेदखल हो गया हूँ, तो इन्होंने इतना पीना शुरू कर दिया कि इनको मतलब ड्यूटी जाना ना जाना बराबर था। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में कानपुर के शिवली कोतवाली क्षेत्र में लालपुर सरैया निवासी मृत बलवंत का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। शव गांव पहुंचने की सूचना पर रिश्तेदारों समेत कई आसपास के गांव के लोग भी मृतकों के गांव पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने हंगामे की आशंका जताई है। आपको बता दें कि गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मृतक बलवंत के परिजन पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। गांव पहुंचे डीएम और एसपी का आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने घेराव किया। फिर सांसद के समझाने पर परिजन बाद में मान गए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मृतक की पत्नी को जिला प्रशासन की ओर से 4 लाख रुपए का चेक और अन्य सहायता देने का वादा भी किया गया। हत्याकांड को लेकर कानपुर देहात में एक बार फिर राजनीति जो है, उत्तर प्रदेश के जो सरगर्मियां हैं वो कानपुर देहात से लेकर के विधानसभा तक जो है आवाज़ गूंजने लगी है। और देखा जाए कहीं ना कहीं इस बलवंत हत्याकांड को लेकर के जो पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगा था वो आरोप तय भी हो चुका है। उसमें लगभग 3 से 4 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पर सवाल ये भी उठता है कि बलवंत के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज था भी कि नहीं था। अगर उसको कस्टडी में मारा गया तो उसकी जानकारी पूरे परिजनों को क्यों नहीं दी गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि जो शालिनी ने एक वीडियो वायरल किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर साफ कहा था अखिलेश यादव से मुझे मुलाकात करनी है, अखिलेश यादव जो है मेरी पूरी बात जो है वो सुनेंगे और उसके बाद हमें न्याय मिलेगा। पर आज सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब इस वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर के सांसद, देहात के सांसद जो हैं देवेंद्र सिंह भोले, और उसके बाद देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री जो है राकेश सिंचान जो है मौके पर शालिनी से मुलाकात करने उनके घर पहुँचे और उनका जो आश्वासन दिया गया कि आपको न्याय मिलेगा। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रतिपक्ष के नेता जो अखिलेश यादव हैं, वो देखा जाए तो शालिनी का साफ कहना है कि जब तक वो नहीं आएंगे उनसे मुलाकात नहीं होगी, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अपने कैमरा पर्सन सुभाष कहना चाहूँगा, दिखाएं कि किस तरीके से शालिनी के घर के बाहर जो गाँव जो एंट्री है पूरी तरीके से जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है, और अखिलेश यादव आएंगे और अखिलेश यादव आने के बाद उसके बाद इसमें जो है जो बलवंत के जो चित्र है उस पर जो मल्लप्पा श्रद्धांजलि देंगे श्रद्धांजलि बाद और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे। पर यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ कहना है कि इसमें जो है बलवंत के परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए की दोनों बच्चों को 1 करोड़ रुपए की संपत्ति दी जाएगी, धनराशि दी जाएगी, सहायता राशि, और उसके बाद जो बलवंत की पत्नी शालिनी है उसको सरकारी नौकरी देने की पूरी उम्मीद है। और देखा जाए एक बात ये भी समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जो कानपुर का जो दौरा था इरफान सोलंकी से मिलने का, उसको लेकर के देखा जाए तो उस प्रोग्राम को स्थगित किया गया और उसके बाद आज ही के दिन एक दिन पहले ही जो है बलवंत के घर पहुंचे अखिलेश यादव। अब कैमरा पर्सन सुभाष साथ उपेंद्र अस्थाना। जरा सी लापरवाही और आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया लखीमपुर खीरी से। निगासन कोतवाली के टांडा के पास ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आए दिन
ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ में NH91 पर कोहरे के कारण लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने इलाका पुलिस और ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे वहां सभी घायलों को अस्पताल के लिए भेजा गया। ये पूरा मामला अकबराबाद थाना इलाके के पठैनी क्षेत्र का है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।